क्शन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने टॉप फोर स्किन केयर प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और मैं काफी से सोच रही थी शेयर करूंगी बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे बट आज मैंने कम्प्लीट सोचा है प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिन चीजों को काफी ज्यादा टाइम से मैं यूज कर रही हूँ तो आइए आप जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो So, guys, the first product is M Caffeine's Naked and Raw Coffee Body Polishing Oil. इसको मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी सेकंड बॉटल है मैंने जब ये मंगवाया था फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा स्पेशली विंटर्स में विंटर्स में ना हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई आउट होनी स्टार्ट हो जाती है और इसमें आप देख सकते हो कि कॉफ़ी बीन्स भी डले हुए हैं तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिला और इसको मैं कॉन्टीन्यूटी में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें विटामिन ई e मिलाया गया है तो ये आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है विटामिन ई e से ना हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नरिशमेंट आती है यानी कि जो बार बार ड्राई होने की प्रॉब्लम होती है ना वो कम हो जाती है और विंटर्स में तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको मैं काफी ज्यादा टाइम से यूज कर रही हूँ और सोच रही थी कि इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी एंड येस yes, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपका स्किन टाइप कैसा भी है आपको पता ही होगा कि मेरा स्किन टाइप ऑयली प्लस सेंसिटिव प्लस एक्ने प्रोन है और मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को इसका रिजल्ट काफी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिला है एंड प्रोडक्ट इज ियलिस का रीवाइट लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं इसको कितने ज्यादा टाइम से यूज कर रही स्पेशली ये वाला प्रोडक्ट इसकी मैं कितनी बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ मुझे खुद को नहीं पता मेकअप करने से पहले भी मैं इसको यूज करती हूँ तो ये तो मेरा अब रूटीन में आ ही गया है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आने लगा है मैंने काफी सारी मेकअप लुक्स भी शेयर किए हैं जिसमें मैंने इसको यूज किया है अपने स्किन uh, केयर में जो मैं मेकअप से पहले स्किन केयर करती हूँ उसमें तो फेस वॉश करने के बाद ना सबसे पहले मैं इसी को यूज़ करती हूँ अपने पाम पर थ्री टू फोर ड्रॉप्स इसकी लेती हूँ और उसको अपने फेस पर लगा लेती हूँ ये मेरी स्किन को ना बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और मेरे को ना काफी ज्यादा अच्छा सा फील होता है क्योंकि मैं इसको काफी ज्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरे स्किन केयर रूटीन में एड ऑन हो चुका है और उसके बाद मैं यूज करती हूँ क्रीम तो क्रीम के लिए मैं यूज कर रही हूँ की रिवर्ट लिफ्ट क्रिस्टल जेल क्रीम और इसका रिजल्ट मुझे अपनी स्किन पर इतना ज्यादा अमेजिंग देखने के लिए मिला है ना और इन दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता देती हूँ और ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया मेरी स्किन का टेक्स्चर काफी ज्यादा बेटर हो गया है इम्प्रूव हो गया है और ना इसका वाव फैक्टर पता है क्या है इसका वाव फैक्टर है इसमें है सेलीसाइलिक एसिड येस ये एक सेलीसाइलिक एसिड वाली क्रीम है इट इज पावर्ड प्योर सेलिस एसिड और ना मैंने मार्केट में सेलिसाइलिक एसिड acid वाली एसच कोई क्रीम्स नहीं देखी है इसके अलावा जो करंटली अवेलेबल हो सेलिसाइलिक एसिड इज एन एक्टिव दैट हैज द एबिलिटी टू एक्सफोलिएट द टॉप लेकिन एंड प्योरिफाई पोर्स एंड रिमूव डेड स्किन सेल्स ये क्रीम ना आपके स्किन में टेन लेयर डीप जाकर अच्छे से पेनिट्रेट करती है एट आवर्स तक ऑयल को कंट्रोल करके रखती है डीपली रिफाइन करती है प्यूरिफाई करती है और पोर्स को मिनिमाइज भी करती है इट्स वाटर बेस्ड ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन दैट लॉक्स इन मॉइस्चर विदाउट बिल्डिंग अप ऑन एक्सेस ऑयल दैट वुड इवेंचुअली लीड टू ब्रेकआउट ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है और आपकी स्किन में काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है तो ये तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारी स्किन में ना टाइनी टाइनी से होल्स होते हैं जिनको हम पोर्स कहते हैं जिसमें से वन रिलीजे स्वेट एंड अदर रिलीजेज सीबम सीबम हमारी बॉडी का नेचुरल ऑयल होता है और ना ऑयली स्किन वालों को सबसे ज्यादा एक्ने एंड पोर्स की प्रॉब्लम होती है और मेरी तो आप लोगों को पता है सुपर डुपर ऑयली स्किन है सो द क्रीम इज स्पेशली सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन और साथ में ही ना ये क्लिनिकली एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ऑल्सो दिस इज पैराबिन फ्री कलरेंट फ्री किसी भी टाइप के सिंथेटिक डाइज नहीं मिलाए गए हैं एंड दिस इज नॉन कमिडोजेनिक साथ में ये दो साइजेस में अवेलेबल है 15 एम है 299 नाइन्टी का और 50 एम है 699 नाइन्टी का तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ में ही ना बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से लाइक अगर आप मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज करते हो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हो कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज़ करते हो तो आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है अंडर आई एरिया आपका डार्क होना स्टार्ट हो जाता है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का जो मेरा कलर है वो थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वाउ स्किन साइंस की ग्रीन टी वाली अंडर आई क्रीम ये विद रोलर्स आती है ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आएगी और ना इसमें आपको ये थ्री छोटे छोटे से रोलर मिल जाएंगे आपको अपनी अंडर आई पर इसको लगाना है और आप देख सकते हो कि इसमें ना थ्री छोटे छोटे रोलर दिए हुए हैं जो आपकी स्किन में ना अंडर आई एरिया पर अच्छे से रोल हो जाते हैं और आपके जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है और ये आपका जो अंडर आई एरिया होता है ना उसको अच्छे से हील करता है यानी कि मेरे को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको अच्छे से हील करता है और मैं ना इसको दिन में दो बार लगाती हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है और इसमें मिलाया गया है ग्रीन टी लिकोरस और एलोवेरा ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपकी स्किन को और अंडर आई एरिया को काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाती हैं और ना स्पेशली सारी की सारी चीजें मैं दिन में करूं या ना करूं बट अपना रात को ना स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करती हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रात को अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना क्योंकि नाइट में ना सोते टाइम हमारी स्किन सबसे ज्यादा हील होती है या फिर उस पर सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट का इफेक्ट पड़ता है तो गाइज यही थे मेरे कुछ चार प्रोडक्ट्स जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और जिनका रिजल्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ बाय बायस